अयोध्या के राम मंदिर में अब राम भक्त दर्शन पूजन के साथ साथ सोने की अनोखी रामायण के भी दर्शन कर सकेंगे। विराजमान होने के बाद पूरे देश दुनिया के लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में प्रभु राम को कुछ न कुछ अनोखी चीज़ समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश कैडेट के चेन्नई के रहने वाले पूर्व IPS अधिकारी ने अपने जीवन भर की कमाई से एक विशेष स्वर्ण जड़ित रामायण तैयार करवा कर प्रभु राम के चरणों में समर्पित किया है। हालांकि आपको बताते चलें, चैत्र रामनवमी के पहले दिन ही लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी के साथ सोने से निर्मित रामायण को राम मंदिर में समर्पित किया है, जहां विधि विधान पूर्वक राम मंदिर परिसर में उस रामायण की पूजा आराधना की गई। इतना ही नहीं, इस रामायण की खासियत है कि प्रत्येक पृष्ठ तांबे से बना है, 14x12 इंच का आकार है, जिस पर रामचरितमानस के श्लोक अंकित किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 10,902 छंद वाले इस महाकाव्य के प्रत्येक पृष्ठ पर 24 कैरेट सोने की परत भी चढ़ाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस रामायण में गोल्डन आकृति में लगभग 480 से 500 पृष्ठ हैं और यह 151 किलोग्राम तांबे और 3 से 4 किलोग्राम सोने से बना हुआ है। इस रामायण का निर्माण भी चेन्नई के प्रसिद्ध बूम मंडी वंगारू ज्वेलर्स ने की है। ये राम भक्त हमारे लक्ष्मी नारायण जी दक्षिण भारत के रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे कोई बारिश नहीं है, लिहाजा जो भी मुझे धनराशि आज तक मैंने अपनी बचा के रखी है या जो मुझे मिली है रिटायरमेंट के बाद, पूरी धनराशि हम लगा करके एक ताम्र पत्र पे स्वर्ण की जो है 24 कैरेट सोने की परत से चढ़ा करके रामायण लिखेंगे पूरी। और उन्होंने वो रामायण लिखी है, बहुत विशाल रामायण है और वो लगभग 1.5 करोड़ रुपया उसमें लगा है। और उन्होंने 6 महीने पहले इस बात को कहा था और आज वो उन्होंने पूरा किया है। वो रामायण कल उन्होंने प्रभु राम को समर्पित की है, वो वहीं पर उनके कक्ष में रख दी गई है और ये एक उन्होंने अद्भुत कार्य किया है, जीवन की पूरी पूंजी दिया है। और ये एक उन्होंने समाज को आईना दिया है कि पैसा जोड़ के क्या करोगे, पैसा साथ नहीं जाएगा, कोई ऐसा काम करो जो हमेशा याद लोग करें। उस रामायण की खासियत क्या? खासियत ये बढ़िया पूर्ण रामायण है, बिल्कुल रामचरितमानस का पूरा उन्होंने वो ताम्रपत्र पे लिखा है और सोने से उसको 24 कैरेट सोने से उसको जो है चढ़ाया गया, पर्स उसमें चढ़ी हुई है, तो एक अद्भुत चीज़ है। अब राम भक्त उसके भी दर्शन करेंगे? उस मंदिर में रखिए, गर्भगृह में रखिए, दर्शन तो दूर से ही होगा, जैसे भगवान का दर्शन हो रहा है तो वहीं रामायण रखी हुई है तो उसको भी दर्शन करेंगे, लेकिन जाकर के वहाँ अंदर तो नहीं आ सकते।